दोस्तों ओप्पो ने लॉन्च कर दिया अपनी ओप्पो रेनो 7 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स को चाइना में। एंड ये स्मार्टफोन सीरीज के कुछ स्मार्टफोन्स इंडिया में भी जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं। इस स्मार्टफोन सीरीज में आपको 3 स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं, ओप्पो रेनो 7, ओप्पो रेनो 7 प्रो एंड ओप्पो रेनो 7 SE। एंड जो ओप्पो रेनो 7 SE स्मार्टफोन होने वाला है, ये स्मार्टफोन इंडिया में नहीं लॉन्च होगा। ओप्पो रेनो 7 एंड ओप्पो रेनो 7 प्रो स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होंगे। एंड जो ओप्पो रेनो 7 प्रो स्मार्टफोन है, इस वाले स्मार्टफोन के इंडियन प्राइस को एंड इंडियन लॉन्च डेट को लीक कर दिया जा चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस स्मार्टफोन के लीक्ड प्राइस, स्पेसिफिकेशंस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहेगा एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन के डिजाइन की, तो कुछ ऐसा दिखने वाला है ओप्पो रेनो 7 प्रो स्मार्टफोन। बैक साइड में आपको टॉप लेफ्ट में कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको 3 कैमरा की हाउसिंग देखने को मिलेगी, एक LED फ्लैश देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको मैट फिनिश देखने को मिलेगा, नीचे ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। बात करें फ्रंट साइड की, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट पंच होल वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, पतले पतले से बैजल्स होंगे एंड दोस्तों यहाँ पर आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको काफी बढ़िया डिजाइन इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। मेरे को ये डिजाइन काफी अच्छा लगा, आपको ये डिजाइन कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एंड ये स्मार्टफोन 7.45 mm थिक होगा एंड 180 ग्राम इस स्मार्टफोन का वेट होगा। तो काफी हल्का होने वाला है एंड काफी पतला स्मार्टफोन होने वाला है ये। बात करें इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको फ्रॉस्टेड ग्लास बैक देखने को मिलेगी, ग्लास फ्रंट देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपको मेटल का फ्रेम देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको काफी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। बात करें इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 6.55 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 90 हर्ट्ज का यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट होगा, 920 निट्स की यहाँ पर आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, HDR10+ सर्टिफाइड होगा स्मार्टफोन, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 402 PPI की पिक्सल डेंसिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले के मामले में काफी तगड़ा स्मार्टफोन होगा, एक फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा, HDR10+ का सर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो गेमिंग के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड कंटेंट कंज्यूमिंग के मामले में भी यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करें कैमरास की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि 50 मेगापिक्सल का होगा मेन कैमरा, जो कि होगा सोनी का IMX766 सेंसर एंड यहाँ पे आपको OIS का सपोर्ट भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो रियर साइड से यहाँ पे आपको काफी अच्छे कैमराज इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। बात करें सेल्फीज की, तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का लेफ्ट पंच होल वाला सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, जो कि होगा सोनी का IMX709 सेंसर एंड दोस्तों ये सोनी का बेस्ट सेल्फी सेंसर है। तो दोस्तों सेल्फीज भी काफी तगड़ी क्लिक कर पाएंगे आप इस स्मार्टफोन से, काफी अमेजिंग यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको काफी तगड़े कैमराज इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। बात करें परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको MediaTek का Dimensity 1200 Max प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 6nm आर्किटेक्चर पर बना है, एक 5G प्रोसेसर है एंड दोस्तों काफी तगड़ी परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको निकाल कर देता है गेमिंग के मामले में एंड डे टू डे यूज में भी यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हीटिंग वगैरह का इशू भी आपको इस प्रोसेसर के साथ देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको काफी तगड़ी परफॉर्मेंस इस प्रोसेसर से देखने को मिलेगी। बात करें रैम एंड स्टोरेज की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 8GB/12GB LPDDR4X रैम देखने को मिलेगी एंड 128GB/256GB UFS 3.1 वाला स्टोरेज आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो रैम एंड स्टोरेज के मामले में भी यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अप टू 12GB रैम एंड अप टू 256GB स्टोरेज आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, तो बैटरी साइज तो अच्छा है एंड यहाँ पे आपको 65W की फास्ट चार्जिंग इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। तो फास्ट चार्जिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है एंड बैटरी साइज भी अच्छा है, तो बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में भी यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको कलर OS 12 देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 12 वाला अपडेट भी जल्दी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें कनेक्टिविटी की, तो दोस्तों स्मार्टफोन 5G को सपोर्ट करता है, डुअल 4G वोल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वाईफाई 6 होगा, ब्लूटूथ 5.2 होगा, GPS का सपोर्ट होगा एंड दोस्तों NFC का भी सपोर्ट आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कनेक्टिविटी के मामले में यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। बात करें सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा।
बात करें पोर्ट्स एंड बटन्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, पावर ऑन बटन होगा एंड दोस्तों वॉल्यूम रॉकर बटन भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। 3.5mm हेडफोन जैक यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करें कुछ और फीचर्स की, तो दोस्तों कैमरा मॉड्यूल एंड जो स्मार्टफोन है उसकी थिकनेस के बीच में जो गैप है वहाँ पे आपको चारों तरफ RGB लाइट देखने को मिलेगी जो कि नोटिफिकेशन आने पे ऑन होगी। तो ये वाला फीचर मेरे को काफी तगड़ा लगा, आपको ये फीचर कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन के कलर वेरियंट्स की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन चाइना में 3 कलर वेरियंट्स में लॉन्च हुआ है, स्टार रेन विश, मॉर्निंग गोल्ड एंड मिडनाइट ब्लैक कलर में, एंड ये तीनों कलर वेरिएंट्स आपको इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। बात करें इस स्मार्टफोन के लीक्ड प्राइस की, तो दोस्तों इंडिया में ये स्मार्टफोन 41,000 से 43,000 रुपए के प्राइस में लॉन्च हो सकता है। ये लीक्ड प्राइस है, मैं आपको कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन इसी प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगा। अगर ये स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होता है तो क्या आप इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की, तो दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन जनवरी 2022 यानी कि नेक्स्ट ईयर इंडिया में लॉन्च होगा। जी हाँ दोस्तों, यही थी कुछ बातें जो मैं आपको ओप्पो रेनो 7 प्रो स्मार्टफोन के बारे में बताना चाहता था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।